हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो अपराजिता की फ्लावर है, ये मेरा अपराजिता का प्लांट मैंने एक साल पहले लगाया था। तो आज के वीडियो ये अपराजिता के बारे में होने वाली है और आज मैं इस प्लांट के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगी फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि अपराजिता की कौन सी वेराइटीज़ होती है। तो अपराजिता के जो फ्लावर होते हैं वो तीन कलर में आते हैं, पर्पल कलर, ब्लू पर्पल और वाइट और पिंक कलर के। तो अपने यहाँ तो ज़्यादातर पर्पल और वाइट, ये दो ही कलर ज़्यादातर दिखते हैं। और ये प्लांट बहुत ही प्रोटीन से भरा हुआ होता है, इसमें बहुत सारा प्रोटीन पाया जाता है। तो इसलिए बहुत सारे जो लोग जिनके पास पशु वगैरह होते हैं वो इस प्लांट को लगाते हैं और इसका चारा भी अपने पशुओं को खिलाते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन से भरपूर होता है। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो मेरा प्लांट है मैंने कटिंग से लगाया है फ्रेंड्स। देखिए इसकी जो स्टेम है ये छोटी सी, मैंने इसको लाया था, मुझे कटिंग मिल गई थी तो, और मैंने ये कटिंग से ग्रो किया है। वैसे तो आप इस प्लांट को बीजों से भी ग्रो कर सकते हैं। तो जब इसके फ्लावरिंग ख़त्म हो जाती है तो फ्लावरिंग के बाद इसमें फलियाँ लगती है और फलियों में इसके बीज होते हैं। मेरे यहाँ भी एक बार फलियाँ लगी थी और मैंने बीज इकट्ठे किए थे, लेकिन अभी इसमें कोई भी फलियाँ नहीं है आपको दिखाने के लिए मेरे पास। तो मैं आपको यही बता सकती हूँ कि इसमें फलियाँ लगती हैं और फलियों में बीज होते हैं, और उन बीजों को बोकर भी आप इस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा बढ़ने में समय लगता है। तो कटिंग से कैसे होता है फ्रेंड्स, कि कटिंग से आप जल्दी से प्लांट को ग्रो कर सकते हैं, और इस बारिश के सीज़न में तो प्लांट अच्छे से जल्दी ग्रो हो जाते हैं। तो आपको भी कहीं इसकी कटिंग मिल जाए तो आप जल्दी से लेके आइए, क्योंकि बारिश जल्दी ख़त्म ही होने वाली है। तो इस प्लांट को आप भी ग्रो कीजिए। तो ये जो प्लांट है ये बहुत सारे औषधीय गुणों से भरपूर भी होता है। तो विदेशों में तो इसकी चाय भी बनाई जाती है, जिसे ब्लू टी बोलते हैं। देखिए मेरे प्लांट में फ्रेंड्स कितनी सारी न्यू बर्ड्स बनी हुई है और कितनी सारी न्यू ब्रांचेस भी निकली हुई है। तो मैंने जो मेरा प्लांट है ये बहुत ही बुशी बना दिया है। आप चाहे तो इसे बेल की तरह ऊपर भी जाने दे सकते हैं, लेकिन मैंने इसको बुशी बनाया है। और देखिए इसका फ्लावर कितना सुंदर लगता है। और वैसे भी ये प्लांट ही खुद अपने आप में दिखने में बहुत ही सुंदर होता है, एक ऑर्नामेंटल प्लांट है ये। तो देखिए फ्रेंड्स इसका फ्लावर का कलर भी, और जब इसकी चाय बनाते हैं तो चाय में नींबू निचोड़ते हैं तो इसका कलर बैंगनी कलर का हो जाता है इसका, और ये भी बहुत अच्छी रहती है इसकी चाय। तो विदेशों में इसकी चाय भी बनाई जाती है, ब्लू टी। और अपने यहाँ तो ये फूल ज़्यादातर भगवान को चढ़ाने में यूज़ करते हैं, तो शिव जी को तो ये फूल बहुत ही पसंद है। तो श्रावण के महीने में और वैसे भी शिव जी को ये बहुत ज़्यादा चढ़ाया जाता है, और माँ दुर्गा को भी ये बहुत पसंद है, भगवान विष्णु को और भगवान शनिदेव को, इन चारों भगवान को ये फूल बहुत पसंद है, इसलिए भगवान को चढ़ाने में भी ये फूल बहुत ही अच्छा रहता है। तो देखिए इस प्लांट को मैं ऐसे ही पिंच करते जाती हूँ टॉप से, तो ये प्लांट मेरा बुशी बनता जाता है फ्रेंड्स। और इस तरह से देखिए मैं इस प्लांट को पिंच करती जाती हूँ जो न्यू ब्रांचेस होती है वहाँ से। तो फ्रेंड्स अब जानते हैं इस प्लांट के लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए, धूप कितनी चाहिए, पानी कितना चाहिए और फर्टिलाइज़र वगैरह, इन सब के बारे में बात करते हैं। तो शुरुआत करते हैं मिट्टी से। तो इस प्लांट को जब आप लगाते हैं तो मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए, क्योंकि मिट्टी अगर मिट्टी चिकनी मिट्टी होगी तो पानी जम जाएगा, और पानी वेल ड्रेन नहीं होने से आपका प्लांट भी सड़ सकता है, फंगस लग सकता है। तो इसके लिए आपको इसकी मिट्टी में सैंड मिलाना ज़रूरी है, और गोबर की खाद मिलाने से क्या होता है फ्रेंड्स, कि गोबर की खाद मिलाने से इसको फर्टिलाइज होने में हेल्प होती है और अच्छे से कलियाँ वगैरह बनती है इसमें गोबर की खाद से। तो मैं भी इसमें गोबर की खाद का ही यूज़ करती हूँ। तो इस तरह से ये प्लांट मेरा बहुत ही अच्छा है और बहुत ही हेल्दी है, फ्लावरिंग भी अच्छे से होती है हमेशा। तो कोई भी बाहर का फर्टिलाइज़र देने की आपको ज़रूरत नहीं है, और चाहे तो आप कभी कभार इसमें ऑनियन पील फर्टिलाइज़र या बनाना पील फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। तो ऑनियन पील फर्टिलाइज़र कैसे बनाना है इसकी वीडियो मैंने आपके साथ पहले ही शेयर की है, वो आप देख सकते हैं। और बनाना पील फर्टिलाइज़र का मैं आपको बता देती हूँ शॉर्ट में। तो बनाना पील फर्टिलाइज़र बनाते समय आपको केले के जो छिलके होते हैं उसको बारीक बारीक काट लेना है और पानी में भिगोए रखना है 2-3 दिन तक, और 2-3 दिन बाद उस पानी को छान लेना है और पानी को आपके सभी फ्लावर्स वाले और फ्रूट्स वाले प्लांट्स में डाल देना है फ्रेंड्स। तो इससे क्या होता है, ऐसे अच्छे से फ्लावरिंग होती है। और अब बात करते हैं पानी के बारे में। तो इस प्लांट को पानी की आवश्यकता तो मतलब ये प्लांट जो है वो बहुत लो केयर में चलने वाला प्लांट है, तो इसको ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं होती है।
तो पानी तो आपको गर्मी के दिनों में सुबह शाम तो डालना ही है, क्योंकि गर्मी के दिनों में प्लांट बहुत ही सूख जाता है। और इस प्लांट को आपने ऐसी जगह रखा होता है कि वहाँ पे अच्छे से धूप धूप आती है, तो धूप के कारण ये प्लांट जल्दी सूख जाता है। तो पानी डालना ही पड़ता है 2 टाइम, और सर्दियों में हफ्ते में 2-3 बार ही पानी डाला डाला तो चलेगा। और इस तरह से जब पौधा छोटा होता है तो पानी डालते समय बहुत सारी सावधानियां आपको बरतनी पड़ती है, और जब पौधा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो इसकी ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती फ्रेंड। और बात करते हैं धूप के बारे में, इस प्लांट को धूप अच्छी चाहिए, तो आप इसे ऐसी जगह रखें जहाँ पर अच्छे से धूप मिलती हो। और इस प्लांट को कहाँ लगाना है, इस प्लांट को लगाने की दिशा, मैंने ऐसा सुना है कि पूर्व दिशा में और उत्तर दिशा में इस प्लांट को लगाना बहुत शुभ माना जाता है। और पूर्व उत्तर की जो ईशान्य दिशा होती है वहाँ पर भी इस प्लांट को आप लगा सकते हैं। तो मेरा जो ये प्लांट है मैंने पूर्व दिशा में लगाया हुआ है, और अगर आप गेट के सामने इसे दरवाजे पर लगाते हैं तो आप जब दरवाजे से बाहर निकलते हैं तो दाहिने ओर ये प्लांट आना चाहिए। तो ऐसा बोलते हैं कि अपराजिता के प्लांट को घर के सामने लगाना बहुत ही शुभ होता है, तो ऐसे भी आप लगा सकते हैं इस प्लांट को। तो फ्रेंड्स, इस प्लांट की जो जड़ें होती हैं उन जड़ों में नाइट्रोजन पाया जाता है, तो इस प्लांट को अगर आप जमीन में लगाते हैं या गमले में लगाते हैं तो उसके मिट्टी में नाइट्रोजन की कोई कमी नहीं रहती, तो इसकी जड़ें ज़मीन में नाइट्रोजन सोखती है और आपकी ज़मीन भी उपजाऊ बनती है इससे। तो आपके पास भी ज़मीन है, आप प्लांट्स लगाते हैं, तो इस प्लांट को भी आप ऐड कीजिए, और अपने सभी पौधों को भी इससे नाइट्रोजन की कमी नहीं होगी, और बाकी के पौधों पौधे भी उपजाऊ, ज़मीन उपजाऊ होने के कारण बाकी के पौधे भी अच्छे से आपके ग्रो होंगे। देखिए मेरा जो प्लांट है ये पूर्व दिशा में लगाया हुआ है और बहुत ही अच्छा है। दोपहर के बाद बहुत सारी धूप, यहाँ तक शाम तक यहाँ पर धूप रहती है, और पानी भी मैं अच्छे से डालती हूँ इस प्लांट में, तो मेरा प्लांट बहुत ही हेल्दी और बुशी है। तो फ्रेंड्स, इस प्लांट को अगर आप अपने घर में लगाते हैं तो घर में जो भी निगेटिविटी होती है वो निगेटिविटी घर में से दूर हो जाती है, और भगवान को भी चढ़ाने में फूल इसका जो बहुत ही अच्छा रहता है। तो आप भी अपने गार्डन में इस प्लांट को ऐड कीजिए। और मेरे पास भी, मैंने व्हाइट कलर का भी अपराजिता लगाया है, सिंगल पेटल वाला, लेकिन वो अभी छोटा ही है, मैंने कटिंग से लगाया है, उस पर अभी फ्लावरिंग नहीं हुई है। लेकिन ये जो मेरा प्लांट है ये मैंने 1 साल पहले लगाया था कटिंग से, और अब इसमें बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होती है। देखिए कितने सारे फ्लावर्स बने हुए हैं और कलियाँ भी बहुत सारी लगी हुई है, और मेरा प्लांट ये बुशी भी बन गया है क्योंकि मैंने इसे पिंच किया था बहुत बार। तो इस तरह से फ्रेंड्स, ये जो अपना प्लांट है अपराजिता का, ये प्लांट घर में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है, और इसलिए आप भी अपने गार्डन में इस प्लांट को ऐड कीजिए। और इसकी केयर करना बहुत ही आसान है, ज़्यादा केयर की इसको ज़रूरत नहीं है, और फ्लावरिंग भी अच्छे से होती है, तो बहुत ही अपने गार्डन में शोभा बढ़ाता है गार्डन की ये प्लांट। तो मेरे गार्डन में भी 1 साल से मेरा ये प्लांट फ्लावरिंग दे रहा है मुझे, और बहुत ही अच्छे से फ्लावर खिलते हैं इसके। देखिए इसके फ्लावर बहुत ही सुंदर है, और 5 पेटल्स में फ्लावर बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे तो सिंगल पेटल में भी फ्लावर बहुत ही सुंदर लगता है। तो आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइए फ्रेंड, और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।